चुनाव में बेहद ही कम वक्त बचा हुआ है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दल उनके स्टार प्रचारक हिमाचल की सियासत में उतर चुके हैं। लेकिन अब इस बीच जैन टीवी के संवाददाता रवि पांडे ने फतेहपुर के बीजेपी प्रत्याशी कृपाल सिंह से खास बातचीत की। अपनी माटी अपनी पूत जैसे विवादों से घिरा हुआ कांगड़ा जिला का फतेहपुर विधानसभा, जहाँ से भाजपा के प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार को प्रत्याशी घोषित करके कहीं न कहीं भाजपाइयों के अंदर ही बौखलाहट खड़ी हो गई है। ऐसे में विपक्ष, यानी अगर हम बात करें कांग्रेस की, निर्दलियों की, उनमें कितनी बौखलाहट आई है। कृपाल परमार से आज हम जानेंगे कि आखिरकार क्या विचार है उनका फतेहपुर विधानसभा में, और कौन सी सौगात माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने इनको देकर गए हैं। जो हंसी, जो जुमले, जो खिलखिलाहट दिख रही थी स्टेज पर, वो वाकई में क्या है? परमार जी, पहले तो आपका जैन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी से बहुत नजदीकियां हैं आपकी, प्रदेश को बहुत नजदीक से आपने देखा है, महामंत्री के रूप में आपने यहाँ पे काम भी किया है, एक आपका कद है पार्टी में, ऐसे में अपनी माटी अपना पुत कहाँ तक जायज है? ऐसा है कि ये नारा एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को चार बार छोड़ा, चार बार गिड़गिड़ा के वो अंदर आए और आज वो फिर पार्टी से बाहर हैं। सभी पार्टियों का स्वाद चखने के बाद आज इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी माटी अपना पूत, वो उनका जुमला इस बात पर था कि लोगों ने नारा दिया था कि हिमाचल का सपूत है, मोदी जी का दूत है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो ज्वाली से चुनाव लड़ते थे तो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते थे। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि वीरभद्र जी चुनाव कहां से लड़ रहे हैं, सुधीर शर्मा चुनाव कहां से लड़ रहे हैं। ये लोगों के बीच में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा जो जिस दिन ब दिन जो ग्राफ बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए ग्राफ से बुखलाहट जो है वो ऐसे जुमलों के बीच में निकल रही है जिसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। आप फतेहपुर विधानसभा में चुनाव के दरमियान में घूम रहे हैं, यहाँ पे जो मूलभूत चीजों को आपने देखा होगा काफी नजदीकियों से, अगर हम सड़क की बात करें तो कहीं भी अच्छी सड़क नहीं है, अगर हम रोजगार की बात करें तो वैसा कोई संसाधन नहीं है कि रोजगार की बात करें, उसके बावजूद भी चुनाव में लोगों का जो रुझान है, ये मोदी का चेहरा बता सकते हैं या एक उम्मीद? नहीं, मैं आपको सवाल नहीं समझा। चुनाव में लोगों का रुझान है, आपने एक नोटा बटन भी दे रखा है, सरकार ने एक नोटा बटन भी दे रखा है, लोगों का जो रुझान है कि हम फिर से एक नई सरकार बनाएं, इसमें ये मोदी की लहर कहेंगे या लोगों का विश्वास कि फिर से एक बार कोई अच्छी सी अच्छा कैंडिडेट आए और हमारे फतेहपुर विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं वो देकर जाएं? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने और विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फतेहपुर में कुछ सोच समझ के भेजा होगा। पिछले कई दिनों से, कई सालों से यहाँ की जनता जो है वो दो नेताओं के बीच में छूलती रही है और दोनों नेताओं ने जनता का यहाँ पर अनादर किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से उतारा है और मैं इसकी यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुताहियाँ पिछले आपके विधायकों ने और मंत्रियों ने जनता के साथ की है, उनका सम्मान बहाल करना जो है वो मेरा पहला काम होगा। लोगों को काम बाद में, आत्मसम्मान की चिंता पहले है। मैंने उनको भरोसा दिलाया है कि जैसे आप मेरा स्वागत और सम्मान अपने घरों में कर रहे हैं, वैसा ही स्वागत और सम्मान मेरा आपका मेरे घर में होगा जब आप मेरे पास आओगे। जहां तक मोदी लहर की बात है, मोदी जी आज राजनीति में एक ब्रांड है, एक नाम है और एक शख्सियत है, और ऐसी शख्सियत जिसने राजनीति के नए पैमाने तय किए हैं, नए आयाम खड़े किए हैं, और उन पैमानों पर उतरना आजकल साधारण पॉलिटिशियन के लिए आसान नहीं है। मुझे इस समर में उतारा है, मैं यहाँ पर शुरुआती दौर में मुझे ऐसे लग रहा था कि ये समर बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा आज मुकाबला किसी से नहीं है। मोदी जी की लहर पर सवार होके, लोगों के विश्वास पर सवार होके मेरी नैया जो है उस पार लगेगी, ऐसा विश्वास है। मतलब कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी आपके फतेहपुर में नहीं आए थे, तब तक आपको ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे लिए मुश्किल होगा, ऐसा क्यों लगा? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन मुझे पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। वो बात, ये किस्से जो है वो पहले खत्म हो गए थे, लेकिन उनके आने से कार्यकर्ताओं के मोराल में एकदम से बूस्ट आया, उछाल आया। लोग जिस तरीके से 9 बजे
अपने अपने साधनों से और पांच पांच छह छह सात सात किलोमीटर पैदल चल के हमारी अपेक्षा से तीन गुना ज्यादा लोग वहां पर आए। हमारी व्यवस्था सारी चरमरा गई, लोग बाजार सड़कें सारी भर गई, तो उससे हम लोगों में विश्वास बढ़ा है कि हम जो सोच रहे थे कि कांटे का मुकाबला होगा, अब हम कह सकते हैं कि मुकाबला एक तरफा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए और उन्होंने पांच तरह के दानों की गिनती करा दी। जो सबसे बड़ा दानव है जो युवा वर्ग को खोखला बनाते जा रहा है वो है नशा। आपको क्या लगता है कि नशा हो या खनन हो, जो दो तरीके सामाजिक दानव है, उस पर आपकी कितनी पकड़ होगी और क्या इसकी उम्मीद करे यहाँ की जनता कि आप उनके गिरफ्त में नहीं आएंगे? ऐसा कि प्रधानमंत्री जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और उन्होंने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। समाज को खोखला करना हो, चाहे नौजवानों को खोखला करना हो, चाहे इस प्रदेश की भूमि को खोखला करना हो, जितने भी माफिया जहां पर हैं उन पर हम पूरी नकेल कसेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का वादा भी है और प्रधानमंत्री जी का आदेश भी, उसके पूरी पालना की जाएगी। फतेहपुर की जो मतदाता है, जो आम जनता है, उनके लिए क्या संदेश है आपका 2017 विधानसभा के चुनाव के दरमियान? मेरा तो यही संदेश है कि पिछले 40 साल से फतेहपुर विधानसभा की अनदेखी हुई है, उसको पूरा करने के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भी जहां भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो जो बैकलॉग है, जो घाटा है 35 साल का, उसको हम अगले 5 साल में पूरा करके देंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के महामंत्री और फतेहपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाल परमार, जिनका मानना है कि जो सबसे, अगर इनकी आम जनता ने इनको विधायक बनाया तो सबसे पहले जो पांच तरह के दानव है जो इस विधानसभा में मूलतः नशे को लेकर सबसे ज्यादा युवा वर्ग खोखला हो रहा है, उस पर नकेल कसी जाएगी। अपने कैमरा पर्सन नितिन के साथ रवि पांडे, जैन टीवी।